हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। महिलाओं के विकास को लेकर अक्सर न्यूज इंडस्ट्री में ये कहा गया है कि महिलाओं को इस ग्लैमर की दुनिया में ग्लोरीफाई करने के लिए रखा जाता है, पर इस मिथ को तोड़ते हुए आज न्यूज इंडस्ट्री में महिलाएं न सिर्फ कैमरे के आगे बल्कि कैमरे के पीछे और साथ ही साथ हार्डकोर रिपोर्टिंग और डिबेट भी कर रही हैं और साथ ही हाईली पेड भी हैं। आज हम lilurun.com में उन महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर अपने आप को साबित कर रही हैं, साथ ही चैनल को आगे बढ़ाने में भागीदार भी हैं। आज की नारी बहुत ही स्मार्ट है, आत्मनिर्भर है और हर जगह अपनी पहचान बनाना जानती है। मेरे हिसाब से आज की नारी में एक फाइटिंग स्पिरिट है कि वो हर जगह, हर टाइम, हर फील्ड में वो जानती है कि उसको कितना फाइट करना है और उसको समझ है कि किस तरीके से उसको अपना काम, अपनी चीजें, अपनी विचार रखने हैं। टुडेज वुमेन आर फाइटर्स। मुझे प्रेरित किया था दूरदर्शन के एंकर सल्ला माहेश्वरी ने, जिसको देखकर मेरे मन में ये प्रेरणा आई थी कि मैं आगे चलकर एंकर बनूं, उन्हीं के जैसे बोलूं और उन्हीं के जैसे साथी को अपनाऊं, और ये मैंने कोशिश की कि मैं अपने जीवन में अपना सकूं। आज और कल में बहुत डिफरेंस है। मुझे lilurun.com में 4 साल हुए और जब मैं ज्वाइन की थी तो बस हम 4 लड़कियां थी और आज हम वो 40 तक पहुंचने के कगार पे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना वाइस डिफरेंस आया सिर्फ 4 साल में। और अगर हम पुराने लोगों की बात करें तो पहले सिर्फ न्यूज रीडर्स होते थे एंकर, आज डिबेट एंकर्स लड़कियां हैं। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट वास्ट डिफरेंस दैट आई फेल्ट इन दिस इंडस्ट्री। मैम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से मीडिया में ही काम कर रही हूँ, तो तब मीडिया में सही कहा मैम ने कि सिर्फ न्यूज एंकर रहा करती थी और बाकी किसी भी फील्ड में महिलाएं बहुत कम देखी जाती थी। पर अब ऐसा है कि हर फील्ड में कैमरामैन बोलो आप, रीडर बोलो, मार्केटिंग बोलो, हर फील्ड में महिलाएं देखने को मिल रही हैं। तो उस हिसाब से मीडिया में महिलाओं को भी स्थान मिलता जा रहा है आज। चुनौतियां उनके लिए बहुत हैं, जैसे कि किसी भी मेल के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, सेफ रहते हैं, बट लेडीज के लिए या जो फीमेल रिपोर्टर्स होती हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कि वो सेफ भी फील करें और वो एफिशिएंटली अपना काम भी कर पाए। चुनौतियाँ बेसिकली हर दिन विमेंस हो चाहे कोई भी हो उनको फेस करनी ही पड़ती है। उनसे बस चीज़ों को लड़ना एंड इवन दो उनको चीज़ों को अच्छे से समझौता करना उसके साथ आज के डेट में आना चाहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। चूंकि करियर की शुरुआत दूरदर्शन थी तो दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे विमल चंद्र गुप्ता। उनकी बहुत सारी जो बातें थी वो मेरी जिंदगी में मोटिवेशन का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उन्होंने बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझे दी थी नेवे होते हुए भी, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में एक चैलेंज के तौर पर लिया और मुझे सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि वो एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे मौके दिए और मुझ पर विश्वास दिखाया। Believe in yourself, then world will believe you. Stay strong and be positive always. तो आज हमने बात की lilurun.com की उन महिलाओं से जो महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं और lilurun.com को आगे बढ़ाने में अपनी सशक्त भूमिका भी निभा रही हैं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lilurun.com। और हाँ, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।